जैसा कि इसमें कंडीशंस रखी गई हैं, इसको लागू करने से पहले जो शर्तें रखी गई हैं, और यदि ऐसा नहीं है, ये कहते हैं ऐसा नहीं है, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमारी पार्टी सरकार से ये भी अनुरोध करती है कि सरकार इस विधेयक में से या तो इन दोनों प्रावधानों को निकाले या फिर कुछ ऐसे उपाय तलाशे जिससे इस विधेयक के तहत महिलाओं को जल्दी आरक्षण का लाभ मिल जाए। इसके साथ साथ यहां मैं इस बात की भी केंद्र सरकार से पुनः ये अपील करती हूं कि 33% महिलाओं के आरक्षण के अंतर्गत SC ST को जो आरक्षण दिया जाए तो उसे वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त दिया जाए, यानी कि जो पहले से इनको SC ST को जो आरक्षण मिल रहा है तो जो इनको 33% SC ST की महिलाओं को जो आरक्षण देना है तो अभी तक क्या इसमें व्यवस्था है कि जो पहले से इनको SC ST को मिल रहा है तो उसमें से 33% इनको दिया जाए महिलाओं को, और उसको 33% में जो अब लाया जा रहा है इंक्लूड किया जा रहा है, इससे हमारी पार्टी सहमत नहीं है, बल्कि इनको ये आरक्षण अलग से दिया जाना चाहिए, 33% में दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही देश की OBC वर्गों की महिलाओं का भी इस महिला आरक्षण विधेयक में अलग से आरक्षण का कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जो सामान्य वर्गों की महिलाओं की तुलना में ये अभी भी काफी पिछड़ी हुई है, और यदि इन सभी वर्गों की महिलाओं के आरक्षण के मामले में यानी कि SC ST और OBC की महिलाओं के आरक्षण के मामले में मेरी इस अपील पर सरकार अमल नहीं करती है तो भी हमारी पार्टी इस बिल का इस खास बात को ध्यान में रखकर समर्थन करती है कि देश में पुरुषों की तुलना में सर्व समाज की महिलाएं अभी भी काफ़ी पिछड़ी हुई हैं। ये वीकर सेक्शन की तो पिछड़ी हैं, लेकिन पुरुषों की तुलना में जो सामान्य महिलाएं वो भी काफ़ी। हिंदुस्तानी इस्लाम मुझे बहुत दुख होता है। खत्म, बाय बाय। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री।